अस्सलाम वालेकुम, प्राइम स्पोर्ट्स न्यूज़ में मैं आपका होस्ट ताशा इस वक्त कैर शक्ति ग्राउंड के अंदर मौजूद हूं। यहां आज सैटरडे का दिन है और बड़ा शाइनी और क्लाउडली मिक्स वेदर है आज, और जायद मंसूर एकेडमी और रावल सिंह क्रिकेट क्लब के माबेन आज एक दोस्ताना मैच खेला जा रहा है 30 ओवर्स का। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो जायद मंसूर एकेडमी के कैप्टन जायद भाई और रावल किंग के कैप्टन अमीर हमजा मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज अभी टॉस के लाइव मनाजर हम आपको कैर शक्ति ग्राउंड से लाइव दिखाएंगे। जी कौन? बैटिंग करेंगे। अच्छा, रावल किंग क्रिकेट क्लब ने टॉस जीत लिया है। आइए इनसे जरा बात करते हैं। हमजा से अस्सलाम वालेकुम। हमजा वालेकुम सलाम। हमजा, आपने टॉस जीत लिया, 30 ओवर का मैच है और जायद भाई के साथ मैच है आपका, तो आप कितना टारगेट आपने दिमाग में रखा हुआ कि इनको देना है? इंशाल्लाह 30 ओवर में हम 250+ इंशाल्लाह करेंगे और मैच को। आपके पास बैटिंग इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग में कौन कौन से लड़के इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? जी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैसर है, मुजम्मिल है और जैन काफ़ी भी अच्छी लड़की है और भी, तो इंशाल्लाह 250+ करके मैच इनको विन करेंगे। आपके पास 250 डिफेंड करने के लिए बॉलर मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत अच्छा है और अटैक बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। जैद भी कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। जैद भी, आज आपका सैटरडे का दिन है और आज अनफॉर्चुनेटली आज आप टॉस हार गए हैं, तो आप कितने तक इनको डिफेंड करना चाहेंगे कि भाई ये मिनिमम कितना स्कोर इनको रोकें? ये है, मेरी भी यही प्लानिंग थी, हम टॉस जीत के ना पहले फील्डिंग ही करते हैं, क्योंकि है ना ये पिच बड़ा अच्छा बैटिंग पिच है, तो ये है हमने पिछले मैच भी 2 खेले हैं उसमें हमने अच्छा चेज किया, तो ये है कोशिश करेंगे इन्हें 200 के अंदर है ना हम आउट करें। 200 में आपके पास बॉलर मौजूद हैं, वैरायटी मौजूद है आपके पास, ऑल ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और फास्ट बॉलर। जी जी है ना, इब्रार है हमारा, वो अच्छा है ना फास्ट बॉलर है, ऊपर से उसने आउट किए हैं, मीर वाइस है, फिर उसके बाद खुद हूँ मैं, फिर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है हमारा, ठीक है ना। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह आपका तो बड़ा नाम है, माशाल्लाह आप फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं और तकरीबन आप T20 में रावलपिंडी रैम्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज अगर आप 200 पेन का आउट करते हैं तो क्या 200 आप चेस कर लेंगे? जी जी, इजीली चेस कर लेंगे। चलें, कोई हमारे जो व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ छोटा सा क्रिकेट के हवाले से कुछ पैगाम? बस यही है, आएँ और अपनी है ना क्रिकेट को इन्जॉय करें और है ना कोशिश करें मैचेस ज़्यादा खेलें और उस हिसाब से है ना बारी बनाने की कोशिश करें। आज इस तरह अच्छा पिच है तो हमारी ये कोशिश है इन्हें डिफेंड करके थोड़े टोटल पे आउट करें, उसके बाद हम आराम से चेस करें। अच्छा, आपके पास माशाल्लाह आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं काफ़ी अर्से से, बड़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं आप बच्चों के ऊपर, बल्कि एक पूरा एक आपने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, तो आपके पास कोई ऐसा लड़का इस वक्त तैयार है जो 16 या 19 के लेवल के ऊपर हो? जी जी, काफ़ी लड़के अच्छे हैं, काफ़ी है ना उजैर लड़का है वो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है, फिर उसके बाद एक फयाज लड़का है वो है ना अच्छा लड़का है, फिर इब्रार और मीर वाइस, ये तो माशाल्लाह खेले हुए हैं, मगर है ना ये काफ़ी अच्छे है ना टैलेंटेड लड़के हैं। हमारी यही कोशिश होती है, मैं एज अ प्रोफेशनल या मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मेरी कोशिश ज़्यादा यही होती है मैचेस ज़्यादा खेलें, मैचेस से आना बंदा ज़्यादा सीख सकता है, ना कि नेट पे आना ज़्यादा सीखे। नेट तो साथ ज़रूरी होता है, वो थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, मतलब बेसिकली जो मैच की प्रैक्टिस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही, हम ये है ना अब 2 हफ्ते से है ना लगातार मैच ही खेल रहे हैं ज़्यादातर, तो ये है साथ नेट लगा होता है, जो लड़का जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कुछ होता है तो उसको आना फिर थोड़ा सा मैं बताता हूँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो माशाल्लाह ना लड़के काफ़ी सीखते भी हैं और काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें नो डाउट के आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, प्लेयर भी हैं और आप वापडा की नुमाइंदगी भी कर चुके हुए हैं, पाकिस्तान कप की भी नुमाइंदगी कर चुके हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एक अच्छे कोच भी होंगे और अपने जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट भी कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। जी नाजरीन, इस वक्त मैं कैर शक्ति ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और 2 ग्राउंड कैर शक्ति ग्राउंड की बेहतरीन टीमें रावल्स किंग क्रिकेट क्लब और जायद मंसूर अकेडमी के माबेन ये मैच वनडे खेला जा रहा है, और मेरी तवक्कुआत दोनों के साथ ये है कि अच्छी यहाँ क्रिकेट होनी चाहिए और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपको वापस मैच की तरफ ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।